ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। सो चलो आज है ना, हम लोग एक क्विकली स्नैक्स बनाते हैं शाम में खाने के लिए। सो यहाँ पे मैंने लिए हैं मुरमुरे। मुरमुरे में मतलब तीखा वाला हम लोग वो चटपटा वाला भेल बनाएंगे। मुरमुरे लिए है, उसमें मैंने अनियंस कट करके डाले हैं, बारीक अनियन चॉप करके डालना है इसमें। उसके बाद मैंने टमाटोज़ डाले हैं, टमाटोज़ को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था, बारीक चॉप करके टमाटोज़ डाले हैं। फिर मैंने डाला है ग्रीन चटनी, मतलब तीखी वाली चटनी। अगर आप चाहो तो आप इसमें ग्रीन चिल्लीज़ भी ऐड कर सकते हो अगर आपको चटनी नहीं डालना है। बट चटनी से थोड़ा कैसा होगा ना, वो उसका जो टेक्स्चर होगा ना, वो थोड़ा गीला होगा, तो उस वजह से क्या होगा, खाने में थोड़ी अच्छी लगेगी। फिर उसके बाद मैंने खट्टी मिट्टी चटनी जो है, मैंने मार्केट वाली यूज़ की है, मैंने घर में नहीं बनाया था। वो तो अवेलेबल हो जाती है आजकल रेडीमेड, ग्रीन चटनी भी, रेड चटनी भी, खट्टी मिट्टी चटनी भी। तो ये मैंने मदर्स रेसिपी की ये खट्टी मिट्टी चटनी है, ये मैंने ऑर्डर किया था, ऑनलाइन ऑर्डर किया था मैंने। सो ये मैंने डाला। बट अगर इसका मैं रिव्यू करूँ ना, तो जैसे हम घर पर बना के खाते हैं ना, इतनी अच्छी नहीं थी। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि घर पे ही बना के इसको करना, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में बनाया था, इसीलिए मैंने मार्केट वाला डाला था। बट अगर आप बनाओगे तो घर पे बनाना, ठीक है। अब आप में आपको इसमें जो जो नमकीन्स ऐड करने वो डाल सकते हो, आप पीनट्स डाल सकते हो। मैंने ये दलिया ऑर्डर दलिया मंगाई थी, मतलब वो मैंने डाला। पीनट्स भी आप अगर चाहो तो डाल सकते हो उसमें, ठीक है। ये सबको मिक्स करने के बाद मैंने इस पर सेव डालना भूल गई थी, हालाँकि मेरे पास रखी हुई थी सेव, बट मैं वो स्किप हो गया, मतलब मुझे वो याद ही नहीं रहा कि मुझे सेव भी डालना है, तो मैंने वो नहीं डाला। आप लोग डाल लेना, ठीक है। इसमें नमक की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इंजॉय करो, खाओ पियो, मस्त रहो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।